कलेक्शन वो भी अफोर्डेबल प्राइस में एंड डिजाइनर कलेक्शन। इसमें आपको साड़ी, कुर्ता सेट, सूट, कुर्तीज, मैक्सी ड्रेस, बॉटम वियर सभी एक साथ देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप कुछ भी परचेज करना चाहते हो तो सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक सिंगल लिंक भी मिलेगा माई हॉल स्टोर के नाम से, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है, वहां पर भी आपको सारा जो कलेक्शन है एक साथ देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से उसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसके काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी तब मैंने इसे पहना था, मैंने अपनी एक वीडियो में इसे पहना था, इसको मैंने अभी तक शेयर भी नहीं किया था आप लोगों के साथ। काफी अच्छा आउटफिट है एंड बहुत ही सुंदर सा कुर्ता सेट है फ्रॉम दी ब्रांड त्रिशला इंडिया, एंड साइड में इमेज दे दूंगी, काफी ज्यादा प्यारा है। जब मैंने इसे ऑर्डर किया था अमेजोन से, सच बताऊं मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, मैं देखना चाहती थी प्राइस के अकॉर्डिंग कैसा आता है, एंड रियली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल आउटफिट है। और आपकी वार्डरोब में ये आउटफिट होना ही चाहिए क्योंकि पिंक कलर ऐसा है कि समर्स एप्रोप्रिएट भी है एंड देन फेस्टिव कलर भी है, तो फेस्टिवल्स में भी अच्छे लगता है, कोई भी फंक्शन हो गया उसमें भी अच्छा लगता है। तो ये वाला आउटफिट मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। इसमें आपको इस तरीके का कुर्ता देखने को मिल जाएगा, वो भी चंदेरी सिल्क फैब्रिक में, एंड कलर आप देख सकते हो कितना प्यारा है। इस पर जो पूरा प्रिंट किया हुआ है गोल्डन प्रिंट किया हुआ है, एंड यहाँ पे ये इस तरीके की आपको वी नेट देखने को मिल जाएगी, और ये जो है पूरा जरी से बनाया हुआ है। इसमें इस तरीके की स्लीव्स देखने को मिलेगी, पहनने के बाद लुक काफी अच्छा है इस आउटफिट का। अंदर की साइड आपको इसमें लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, बैक साइड आपको इस तरीके का मिलेगा, बहुत ही प्यारा आउटफिट है। आप साइड में पूरी क्लिप देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस आउटफिट को कैसे कैरी करना है, कैसा इसका लुक आएगा पूरा, एंड बहुत ही प्यारा है। लुक एट दिस, हाईली रिकमेंड करती हूँ, काफी ज्यादा रिच लगता है पहनने के बाद, लुक काफी अच्छा है एंड बहुत ही ज्यादा एलिगेंट भी है। तो इस तरीके का आपको इसमें कुर्ता देखने को मिल जाएगा। फिर इन्होंने नीचे की साइड बॉटम के लिए पैंट दी हुई है कॉटन फैब्रिक की, इलास्टिक वाली आपको पैंट देखने को मिल जाएगी जो कि समर्स में भी काफी अच्छी रहती है, एंड इस तरीके का फैब्रिक है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। इसमें जो मैंने साइज परचेस किया है वो है मीडियम, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेस कर सकते हो, सारे साइज अमेजोन पे अवेलेबल है। एंड इसका दुपट्टा भी काफी अच्छा सा आपको चंदेरी सिल्क फैब्रिक का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा, एंड इस तरीके का दुपट्टा है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है ना, थ्रेड वाले टसल्स लगवाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा आउटफिट है, एलिगेंट है, हाईली रिकमेंड करती हूँ परचेज कर लो। एंड प्राइस भी जब आप इस आउटफिट को लोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वर्थ इट नहीं है, बहुत ही अच्छा लगेगा पहनने के बाद, लुक काफी एलिगेंट आएगा एंड काफी अच्छा डिजाइनर लुक है, तो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब जो नेक्स्ट मैंने परचेस किया है वो है, मैं आपको बोल रही थी ना कि मैंने एक अमेजोन से भी एक कलरफुल मल्टी कलर में दुपट्टा परचेस किया है, और इस दुपट्टे को किसी मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था इस दुपट्टे के लिए, फिर मुझे मैंने भी देखा जब मुझे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। देख सकते हो कलर कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है इस दुपट्टे में, बहुत ही प्यारे शेड से पूरा गोटे का काम किया हुआ है, ये बहुत ही प्यारा दुपट्टा है एंड मस्ट है, आपकी वार्डरोब में होना चाहिए, बिकॉज ये किसी भी ब्लैक आउटफिट के साथ, ब्लैक ड्रेस हो गई, ब्लैक कुर्ता व्हाइट मैक्सी ड्रेस सभी के साथ काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और इस तरीके का एक दुपट्टा होना चाहिए, 2.25 मीटर का है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो हाईली रिकमेंड करती आप परचेज कर सकते हो, काफी ज्यादा यूनिक है, डिजाइनर है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। सब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है फ्रॉम दी ब्रांड ओरलिया, एंड काफी अच्छा सा कुर्ता है एंड बहुत ही प्यारा है ये वाला कुर्ता, क्योंकि इस तरीके से जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, एंड रियली हाईली रिकमेंड करती हूँ, प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा एक फेस्टिव वेयर पार्टी वेयर कुर्ता है एंड बहुत ही यूनिक है। इस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन बहुत जल्दी से आपको कहीं भी किसी के पास देखने को नहीं मिलते हैं, तो मैंने जब इसे अमेजोन पे देखा रियली काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा जब मिला ना तब ज्यादा अच्छा लगा। इसमें आपको राउंड नेक देखने को मिल जाएगी, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे ना इस तरीके के बटन्स की डिटेलिंग की गई है, आपको दिख रहा है ना इस तरीके के बटन्स लगवाए हुए हैं, पूरी स्ट्रेट कुर्ती है, पूरे पे जरी का काम किया गया है, ये पिंक एंड ये ग्रीन जो मेहंदी कलर है इस कलर के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगी, बैक साइड भी आपको इस तरीके का मिलेगा, आप इसे पिंक पैंट के साथ कैरी कर सकते हैं, और दुपट्टा लगाना चाहो आप लगवा सकते हो, वैसे काफी ज्यादा यूनिक है कुर्ता एंड रियली काफी अच्छा है,
किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए अप्रोप्रिएट है। प्लस जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, शायद 600 के आसपास इसकी कुछ प्राइस है। उस अकॉर्डिंग हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत ही प्यारा कुर्ता है एंड पहनने के बाद लुक काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये है जो मैंने नेक्स्ट पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने यहाँ से पिक किया है वो है ये वाली साड़ी। आपको थंबनेल में ये वाली साड़ी मुझे जो है अमेजोन पे काफ़ी अच्छी लग रही थी एंड मैं देखना चाहती थी कैसी आती है, क्योंकि ये एक रेप्लिका है, कैटरीना कैफ ने इसे पहना है एंड ये बैग वाली साड़ी है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है एंड इस तरीके की आपको एक किट में देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको खोल के बताती हूँ ये वाली साड़ी मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लग रही थी क्योंकि समर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं इस तरीके के लाइट कलर एंड फ्लावर प्रिंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो देखते हैं कैसी निकलती है। ओके, तो इस तरीके की आपको ये वाली पूरी साड़ी देखने को मिल जाएगी। ये आपको पूरी है ना बेबी पिंक कलर में देखने को मिलेगी बिल्कुल एंड जॉर्जेट फैब्रिक है पूरे पे, इस तरीके का जो है प्रिंट किया हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी प्राइस बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, लेकिन अगर आप कोई डिज़ाइनर साड़ी लेना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल हो एंड अगर आप इसे वैसे ही कैरी करेंगे ना बेल्ट के साथ तब बिल्कुल सेम वैसा ही लुक आएगा। अगर आप उस तरीके से ब्लाउज स्टिच करवाते हैं एंड बेल्ट के साथ इसे कैरी करते हैं काफ़ी अच्छा खासा लुक आ जाएगा इस साड़ी का एंड समर्स के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके की आपको ये वाली साड़ी देखने को मिल जाएगी। आप देख लो फ्लावर प्रिंट किया हुआ है पूरे पे एंड लुक एट दिस, काफ़ी सुंदर है ये वाली साड़ी। लाइट वेट है, इसमें आपको ब्लाउज है जो अंदर ही अटैच मिल जाएगा, पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है एंड सेम एज इट इज़ इन्होंने ये वाला ही ब्लाउज में दिया हुआ है जो कि इस तरीके का है। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये इन्होंने ब्लाउज के लिए इन्होंने दिया हुआ है यहाँ से जो फैब्रिक है ये पूरा आपको 90 सेंटीमीटर का फैब्रिक देखने को मिल जाएगा जिससे आप वैसे ही अटैच करवा सकते हैं और इसी में से आप बैग निकलवा सकते हैं। जो मैंने नेक्स्ट यहाँ से ली है वो है एक मैक्सी ड्रेस, क्योंकि समर्स का टाइम है और मैक्सी ड्रेस नहीं हो तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई प्लस बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सुंदर है, क्या बोलूँ, हाईली रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छी है। मैंने इसे एक बार पहन के देख लिया है खोल के भी साइज़ वगैरह एंड इसमें आपको इस तरीके की पैकेजिंग देखने को मिल जाती है जिप कवर में। ये स्ट्रेट फिटिंग में मैक्सी ड्रेस मिलेगी आपको, प्लस इसका जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। ये आपको पॉलिस्टर एंड स्पेंडेक्स जो फैब्रिक आता है उसमें आपको मिक्स देखने को मिल जाएगी जो जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रेचेबल है एंड इस तरीके का कुछ इसका लुक आएगा। इसमें आपको राउंड नेक मिल जाएगी, स्लीवलेस आएगी ये वाली मैक्सी ड्रेस, तो समर्स के लिए बहुत ही अच्छी है। बेबी पिंक व्हाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में स्ट्रेट फिटिंग में आपको ये मिलेगी। नीचे की साइड बस थोड़ा सा इसमें फ्लेयर है, पहनने के बाद लुक आप देख लेना साइड में काफी अच्छा आ रहा है एंड इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है स्मॉल, स्मॉल मेरे अच्छे से आ रहा है बहुत ही अच्छे से। तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो एंड इसमें आपको मैं एक बार देख लेती हूँ, हाँ जिप वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, बस आपको इसे ऐसे ही पहनना है, पर लुकिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है पहनने के बाद, तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है अमेजोन से वो है एक प्लाजो। यार मैं काफ़ी टाइम से चाहती थी एक प्लाजो पिक करूँ अमेजोन से, बिकॉज जो मेरा ब्लैक वाइट वाला प्लाजो है वो शिफॉन का है थोड़ा, और वो थोड़ा अभी मैंने बहुत पहन लिया है, मन भी भर गया। मैं चाहती थी चिकनकारी में परचेज करूँ और इस टाइप का मेरे पास पहले भी था, वो ख़राब हो गया, तो अभी मैंने ये दोबारा से परचेज किया है अमेजोन से एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिला है। ये आपको ऐसे प्योर वाइट कलर नहीं है, ये बेज कलर में आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा इसमें क्रीम कलर में है लाइट इस तरीके का। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है एंड आप देख सकते हो ना पूरा इस पे जो है चिकनकारी काम किया गया है। काफ़ी अच्छा कॉटन का प्लाजो है, बहुत ही अच्छा है, लुकिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है समर्स के लिए और ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है। पहनने के बाद आप लुक देख लेना साइड में एंड इस तरीके का आपको इलास्टिक देखने को मिल जाएगा जिसके कारण काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत ही प्यारा सा प्लाजो है, हाईली रिकमेंड करती हूँ आप ले सकते हो। इसमें आपको कलर ऑप्शन काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज कर लेना। ब्लैक है, पिंक है, रेड है, बहुत सारे कलर्स हैं, मुझे ये वाला कलर चाहिए था क्योंकि कॉमन कलर है और होना चाहिए ये। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने यहाँ से पिक किया है। सब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है इस तरीके का कलमकारी कुर्ता और मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी यार मुझे कुछ इस तरीके का कुर्ता चाहिए था जो कि बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही यूनिक हो, प्लस ब्लैक कलर में हो, मल्टी कलर कलमकारी प्रिंट में ही देख रही थी। तो ये मुझे फाइनली अमेजोन पे दिख गया और फ्रॉम दी ब्रांड तिजोरी एंड काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको
बहुत ही प्यारा सा इस तरीके का मल्टी कलर कलमकारी वाला कुर्ता देखने को मिलेगा। बात किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट प्लाजो के साथ आप इसे कैरी कर सकते हैं। ये स्लिप कुर्ता है, यहाँ पे आपको इस तरीके के शोल्डर देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रैपी शोल्डर। इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है स्मॉल, स्मॉल साइज मेरे अच्छे से आ रहा है। इसमें आपको सारे साइज अमेजोन पे मिल जाएंगे, प्लस समर्स के लिए काफी अच्छा है, काफी समर एप्रोप्रिएट है। एंड इस तरीके का आपको एक कलमकारी कुर्ता देखने को मिल जाएगा जो कि स्ट्रेट कुर्ती है, लॉन्ग कुर्ती है, कॉटन फैब्रिक है। तो अगर आप चाहो तो एक साइज बड़ा परचेज कर सकते हो मेरे, एंड बहुत ही प्यारा लगेगा, यूनिक पीस है, डेफिनेटली हाईली रिकमेंड करती हूँ। सब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है इस तरीके का कुछ स्लिंग बैग। एंड मैं अमेजोन से आजकल काफी सारे हैंड बैग, स्लिंग बैग देख रही हूँ, परचेज कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पर्सनली वहाँ के जो स्लिंग बैग है उनका जो कलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। जब मैंने इसे देखा मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉस्टली लगा, लेकिन सीरियसली जब आपको ये मिलेगा तो आपको लगेगा यार वर्थ इट है लेना। पैसा अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो काफ़ी अच्छा किया है, क्योंकि काफ़ी अच्छा है। कुछ इस तरीके का आपको ये वाला स्लिंग बैग देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस टेक्सचर, काफी ज्यादा अच्छा है। ट्राइंगल जो टेक्सचर इस पे दिया हुआ है, अभी तो क्या है इस पे लाइट आ रही है तो आपको हो सकता है थोड़ा शेड्स वगैरह दिख रहे होंगे, लेकिन जब आप इसे ऐसे ही पड़ा रहेगा आपके वहां पे, या फिर मतलब आप इसे नॉर्मल कहीं रखेंगे तो आपको बिल्कुल ये ब्लैक दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाएंगे थोड़ी भी लाइटिंग इस पे आएगी तो इसके जो कॉलर्स है ना वो निकल के आते हैं। तो वो चीज सबसे अच्छी लगी, इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा है, जो ये ट्राइंगल शेप दिया हुआ है काफी ज्यादा यूनिक है, एक स्टेटमेंट पीस है अपने आप में, आपकी लुक को हाईलाइट करने के लिए बहुत अच्छा है। प्लस इसमें जो स्पेस है इतना है जो इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अंदर का जो जिप है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप कॉइन रख सकते हैं। इसमें आप अपना मेकअप, ज्वेलरी, कहीं बाहर जा रहे हैं तो कुछ भी चीज़, मोबाइल वगैरह काफ़ी अच्छे से कैरी कर सकते हैं, काफ़ी इनफ है। पहले मुझे लगा था ओनली पार्टी वगैरह के लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन सच में अगर आप कैजुअल में भी डिनर पर जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं लंच पे, तो उस अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा वर्थ इट है। प्लस इसमें आपको इस तरीके की चेन देखने को मिल जाएगी, ये स्लिंग बैग की चेन है तो आप इसे एज ए स्लिंग कैरी कर सकते हैं। लेंथ काफी अच्छी है, आपको साइड में क्लिप में क्लियर हो जाएगा, एंड बहुत ही प्यारा है, हाईली रिकमेंड करती हूँ। प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है। प्लस इसका जो फैब्रिक है वो मुझे ऐसा लग रहा है वाटरप्रूफ है, तो उस अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा है, अपने आप में स्टेटमेंट पीस है, डेफिनेटली बाय कर सकते हो, हाईली रिकमेंड करती हूँ इस पर्स के लिए। अब जो नेक्स्ट मैंने यहाँ से पिक किया है वो है इस तरीके का कुर्ता। ये मुझे समर के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था अमेजोन पे, प्लस इसका जो कलर कॉम्बिनेशन था काफी अच्छा लग रहा था। मैं चाहती थी कोई कॉटन का कुर्ता बाय करूं जो इस तरीके का कुछ हो। ये आपको पिंक एंड ग्रीन कलर शेड में मिल जाएगा। इस पे जो प्रिंट किया गया है काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसे आप सिल्वर ज्वेलरी के साथ कैरी कर सकते हो। कॉटन का कुर्ता है तो समर्स के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो स्मॉल है। लुक आप साइड में देख लेना, बहुत प्यारी है। 3/4 इसमें आपको स्लीव्स मिल जाएगी, कलर काफी ज्यादा अच्छा है समर्स के अकॉर्डिंग, कंफर्टेबल है पहनने में, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने परचेज किया है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट पीस मैंने परचेज किया है वो है एक क्रॉप टॉप भी बोल सकते हो, इससे आप मतलब क्रॉप टॉप की तरह तो कैरी कर सकते हो। लाइक अगर आप पहनते हो जैकेट, डेनिम जैकेट के अंदर हो गया, किसी भी ब्लेजर के अंदर हो गया, पर आप इसे साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हो, तो एज ए ब्लाउज भी काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। तो इस तरीके का आपको कुछ ये देखने को मिल जाएगा। मैं आपको इसे साड़ी के साथ कैरी करके बताऊँगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है, एंड स्ट्रेची है बहुत ज़्यादा, जो फैब्रिक है स्ट्रेची है, कम्फर्टेबल है। इसमें भी जो मैंने साइज पिक किया है वो है स्मॉल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची है, फैब्रिक तो अच्छे से आ जाएगा। आपके स्लीव्स आप देख लो, इस तरीके की फुल स्लीव्स आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे पास स्लीवलेस हैं काफी सारे, स्ट्रैपी वाले हैं, लेकिन मेरे पास फुल स्लीव्स कोई भी नहीं था, तो मैंने ये ब्लैक कलर का परचेज कर लिया। और डेली में मुझे साड़ी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ये तो ऐसा पीस है जो आपके डेनिम के साथ भी अच्छे से चले जाएगा, डेनिम जैकेट के साथ या फिर ब्लेजर के साथ भी अच्छे से चले जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा लगा। और ये मुझे, मैंने ब्लैक कलर में पिक किया है क्योंकि ये कॉमन कलर है और सभी के साथ अच्छे से चले जाता है। इसमें आपको कलर ऑप्शन, साइज सारे देखने को मिल जाएंगे, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को विद बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरी वीडियो आ रही है और आप मेरी वीडियो टाइम से देख पाओ।
और जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं ना, दी आपने ये कहाँ से पहना, ये कहाँ से पहना, तो वो आपके इसलिए आते हैं क्योंकि आप मेरी वीडियो रेगुलर बेसिस पे नहीं देखते हो। तो अब ये जो टॉप पहना हुआ है ये आपको आने वाली वीडियो में इसका जो है रिव्यू देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।